दोस्तों, आज हम मटन कोरमा बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ आधा किलो मटन का गोश्त ले ली हूँ और मैंने दो प्याज लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस कर लिए, दो टमाटर, तीन हरी मिर्च हैं, एक चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है, एक बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर है, ये मटन मसाला मैंने एक चम्मच ले लिया है, एक बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और आधी प्याली मैंने दही लिया है, चार पांच मैंने यहाँ पे कैश्यू नट्स लिए हैं, एक चम्मच नमक ली हूँ। अगर आपका गोश्त ज़्यादा हो तो आप नमक बढ़ा सकते हैं, अगर कम हो तो कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक यूज़ करें। मैंने यहाँ पे पैन पे तेल गरम कर लिया है, अब हम इस पे ये प्याज को फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करना है और साथ में ये टमाटर और हरे मिर्च भी, ये काजू मैंने लिए हैं, इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी। ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक बॉल पे खाली कर देंगे और इसको मिक्सी पे ग्राइंड कर लेंगे। एक कढ़ाई पे मैंने तेल गरम करने रखा था, मैं यहाँ सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, तो उस पर सबसे पहले हम ये एक तेज़पत्ता डालेंगे और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और चार मैंने लौंग, दो चार गुल मिर्च और ज़रा सा ज़ीरा डाल देंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन दो तीन मिनट तक इसको भून लेंगे। अब हम इस पर ये मटन डाल देंगे और इसको दो तीन मिनट। अब हम इस पर ये हल्दी पाउडर डालेंगे, ये धनिया पाउडर, ये मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर और ये मटन मसाला डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया है और इसको हमें अच्छे से भूनना है। अब हम इस पर ये नमक ऐड करेंगे और ये दही, दोनों को डालकर भून देंगे। ये देखिए, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है, दही का पानी भी सूख चुका है। अब हम इस पे ये प्याज का पेस्ट डालकर भून लेंगे। देखिए, ये पूरा मेरा मसाला भून चुका है। अब हम इसको कुकर में शिफ्ट कर देंगे, एक सीटी फुल फ्लेम पे लगाएंगे और दो सीटी सिम पे लगाकर चूल्हा बंद कर। मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी यूज़ किया है। अब इसको हम सीटी लगने के लिए फुल फ्लेम पे एक सीटी, सिम पे दो सीटी लगा के बंद किए। इसको मैंने कुकर से कढ़ाई पे फिर शिफ्ट कर लिया। अब ये हमारा गोश्त एकदम गल के तैयार है। अब हम इस पे ये स्लाइसेस मैंने अदरक के किए थे उसको डाल देना है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। पांच मिनट हम इसको ढककर फिर सिम पे पकाएंगे। देखिए, हमारा मटन ग्रेवी पककर रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अब आप गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसको सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।